मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। आकांक्षा जो कर रही है जदादित्य के साथ वो सही नहीं है, ये अविनाश ने आकांक्षा को बोला। तो आकांक्षा ने क्या बोला है, रिप्लाई क्या दिया है, चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अविनाश जिस तरीके से बात कर रहे हैं आकांक्षा से, जो मैटर पे बात कर रहे हैं, क्या उनको करनी चाहिए ये बात, क्या वो सही बोल रहे हैं आपकी नजर में, या आप लोग ये कहना चाहेंगे कि भाई अविनाश जो है फालतू का मुद्दों में घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जदादित्य जो है काफी ज्यादा लाइक करने लग गए हैं आकांक्षा को, और आकांक्षा और जदादित्य जो है काफी टाइम साथ में स्पेंड भी करते हैं। वहीं पर जो है बाथरूम एरिया में सब लोग मतलब कि रेडी हो रहे होते हैं, आकांक्षा होती है, अविनाश होता है, वहां पर फलक होती है, वहीं पर जो है जदादित्य होते हैं, काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आज, हालांकि हमेशा ही हैंडसम लगते हैं। वहां पर जो है आकांक्षा को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि प्यार की नजरों से देखते हैं। वहीं पर जो है अविनाश ये बात बोलता है कि आकांक्षा अगर उसकी तरफ से जो भी सब चीजें हैं, अगर मतलब कि वो हाथ पकड़ना चाहता तो भी उंगली तो उसको देती ही है ना, मतलब कि तेरी तरफ से भी है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो आकांक्षा बोलती कि नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा शॉर्ट हूँ और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए भी, और मेरे माइंड में अलग काफी सारी चीजें हैं, और मैं अलग यहां से निकलने के बाद मेरी सब चीजें जो है प्लान्ड हो चुकी हैं। मैं किसी भी रिलेशन में या किसी भी दोस्ती में ना जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो मैं 100% देना चाहती हूं, तो मैं इस चीज को 100% दूंगी नहीं। मेरा और उसका ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो हूं वो अच्छा इंसान है और उसके साथ बातें करके अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर अविनाश बोलते हैं कि भाई अगर ऐसी सब चीजें हैं तो उसको क्लियर कर दे, क्योंकि वो ऐसा ना हो ना कि कुछ और चीज लेके बैठे फिर बाद में उसका दिल टूटे। जहां पर आकांक्षा बोलती है कि हां वो तो बात सही है कि मैंने समझाने की उसको कोशिश की है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत वो डल हुआ है, थोड़ा बहुत वो रुका है, बट फिर सडनली फिर उसको याद आ जाती है, फिर वो सब चीजें करने लग जाता है। मे बी शायद वो अलग कल्चर से आया है, उसके लिए ये सब चीजें काफी ज्यादा अलग हैं, तो उसको समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर हम लोग हिंदी हिंदी में बात कर रहे होते, मतलब कि हमारा इंडियन होता, तो वो समझाना बहुत आसान होता। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको समझाऊंगी, बोलूंगी जरूर। अभी अविनाश का कहना ये है कि भाई प्यार करती है तो ठीक है, नहीं करती तो बोल दे, दिल मत तोड़ना, भाई बंदा तो कर रहा है प्यार। अभी आप ही बताइए, क्या अविनाश फालतू का इस मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने सही ही बोला है, सही ही सुझाव दिया है, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।